हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये एग्जांपल, एग्जांपल एक, ठीक है। ये प्रीवियस एक जो रिजल्ट देखे थे हम पिछले लेक्चर्स में, उससे बेस्ड ये एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद पिछला जो थ्योरम था पिछले लेक्चर में, उसका एक एक्सटेंडेड रिजल्ट देखेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखते हैं ये, तो ये एग्जाम्पल है कि 12 विषयों के एक समूह में से किन्हीं 5 विषयों का संचय मीन्स कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। कि प्रत्येक संचय में गणित और सांख्यिकी में से कम एक विषय अवश्य रहे आए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 12 विषय है टोटल, उनमें से 12 सब्जेक्ट्स में से 5-5 सब्जेक्ट्स का क्या बनाना है अपने को, ग्रुप बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अब वो कितने बनेंगे और जिनमें हर ग्रुप में क्या होना चाहिए, गणित या फिर सांख्यिकी में से कम एक विषय तो होना ही चाहिए हर ग्रुप में, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट्स में से प्रत्येक में कम से कम इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, और बाकी चाहे और दूसरे सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इतने ये कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये 5-5 के जो ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5-12 विषयों में से किन्हीं 5 विषयों का कुल कॉम्बिनेशन क्या होगा, कुल संचय 12C5 ये होगा, और इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 792, ठीक है, 792 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है, इसको सोल्व करके। अब देखिए, मैं मान रहा हूं यहां से माना सेट ए और बी उन कॉम्बिनेशंस, उन संचों का सेट है, उन संचों का, उन कॉम्बिनेशंस का सेट है जिनमें क्रमशः गणित और सांख्यिकी विषय सम्मिलित है, ठीक है। गणित या तो जैसे सेट ए में क्या आ रहा है, गणित विषय आ रहा है लेकिन सांख्यिकी नहीं आ रहा, और सेट बी में सांख्यिकी विषय आ रहा है लेकिन मैथमेटिक्स जो सब ये सब्जेक्ट है गणित ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अगर दोनों भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए में, सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो चूंकि ये 12C5 है, एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12C4। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे इसको, 12 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुणा 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा 330, ठीक ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे ही सेट बी में अवयवों की संख्या निकालेंगे, तो बी में क्या है, गणित नहीं है लेकिन सांख्यिकी है, तो वही 12C4, इससे हम बी में अवयवों की संख्या कैलकुलेट करेंगे, तो इससे भी कितना आएगा, 330, ठीक है। सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 330, और सेट ए की भी 330, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिएगा, कुछ संचय अब ये भी तो है कि कुछ यहां पे जैसे सेट ए में मैथमेटिक्स आ रहा है लेकिन स्टेटिक्स नहीं आ रहा, ठीक है, और सेट बी में
मैथ क्या आ रहा है? स्टेटिक्स आ रहा है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आ रहा, तो इसकी जगह कोई और और विषय होगा, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट कोई 12 है, तो यहाँ मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट होगा, वहाँ स्टेटिक्स की जगह कोई और सब्जेक्ट होगा। टोटल कितने होंगे? दोनों में पाँच ही पाँच, पाँच पाँच ही सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ से इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा पाँच में से कितने सब्जेक्ट बचेंगे? तीन। और इनमें भी यहाँ पे भी ये दो सब्जेक्ट बताओ कितने बचेंगे? तीन। तो दोनों में तीन सब्जेक्ट दोनों में कॉमन भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि उनकी कोई कंडीशंस नहीं है, दोनों में चाहे वो तीनों सब्जेक्ट समान हो, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी की दोनों में कॉमन सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो कितने होंगे कॉमन सब्जेक्ट्स के? कॉमन जो ये सब ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12C3, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 12C3 से, वो सेट ए इंटरसेक्शन बी में उसका अवयव की संख्या को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 12C3, ठीक है। अब 12C3 का मीनिंग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 3 फैक्टोरियल, ठीक है, गुणा 12 -3 फैक्टोरियल। तो यहां से क्या आएगा? यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां से, चूंकि एक फॉर्मूला होता है जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं, ए में अवयव की संख्या कितनी है? 330। बी में अवयव की संख्या कितनी है? 330। और ए इंटरसेक्शन बी में 120, ठीक है। तो यहाँ से अवयव की संख्या कितनी आएगी? 540, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि 540 ऐसे संचय होंगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिनमें कम से कम गणित और सांख्यिकी में से एक विषय अवश्य होगा होगा, ठीक है, एक विषय अवश्य होगा ही होगा। तो ये हुआ अपना एग्जाम्पल। अब हम स्टूडेंट्स एक रिजल्ट देखेंगे, थ्योरम में ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री
आर थ्री फाइनाइट सेट्स देन का मीनिंग है यदि ए बी और सी कोई तीन परिमित समुच्चय है तो ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या यूनियन सी तक, क्योंकि तीन सेट दी हुई है, ठीक है, क्या होंगे ए में अवयवों की संख्या, बी में सेट बी में अवयवों की संख्या प्लस सेट सी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, पहला जो था फॉर्मूला था ए यूनियन बी ठीक है इस टाइप से था। अब जब तीन सेट आ गए तो क्या करते हैं, पहले इनको अलग अलग जोड़ते हैं सबको, ठीक है, फिर इनके दो दो के इंटरसेक्शन को घटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जब तीन तीन के लिए करते हैं, देखो सबसे पहले एक एक सेट लिया गया है, फिर दो दो सेट लिया गया है, फिर तीस तीन तीन सेट लिया गया है। अब चूंकि यहाँ पे तीन ही सेट लिए गए हैं तो अब देखिए सबसे पहले प्लस चिन्ह काम में लेते हैं, फिर माइनस चिन्ह काम में लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, और उसके बाद अगर चार सेट होंगे तो फिर क्या लेंगे, फिर माइनस सेट काम में लेंगे। तो क्या चलता रहता है, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ से हमारे को ये आइडिया लग गया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, हम यहां से ए बी और सी, ठीक है, ए और ये क्या है, यू यूनिवर्सल सेट,
अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखना ये है स्टूडेंट कि ए को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ए को लिख सकते हैं ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी डैश, ये लिख सकते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये लिख सकते हैं। और ये चारों सेट क्या है, डिसजॉइंट भी है। इनमें चारों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही बी में, बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। क्योंकि इन चारों सेट्स को मिला दिया जाए, इसको 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 इसको, तो ए आ गया ना, ए को कवर कर लिया। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है स्टूडेंट। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे भी क्या है, ये चारों सेट डिसजॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गए, और इन चारों सेट्स के इंटरसेक्शन का, चारों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए, तो ये जो बच रहा है ये एरिया, इनके बाहर जो ये गोल सर्किल्स है इनके बाहर का जो एरिया है यूनिवर्सल सेट में, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस प्लस सी का मॉडुलस, और इनको ऐड कर दिया मॉडुलस लेके। जब इनका मॉडुलस लेंगे तो चूंकि डिसजॉइंट सेट है तो क्या आएगा, देखना, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो जब इसका मॉडुलस ले लिया जाएगा, जैसे इसका मॉडुलस ले लूं मैं, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आप लिखिए, मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूं। स्टूडेंट आप इन जो तीन लाइन है इनको लिखने के बाद में ये लिखना, क्या जो मैं अब लिख रहा हूं, ए का मॉडुलस बराबर यूनियन को हटा के प्लस कर दो, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो डिसजॉइंट में डायरेक्ट हम अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस प्लस सी का मॉडुलस, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से इन सबको जोड़ देंगे,
तो क्या करेंगे, ए का मॉडुलस इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए, या इनको डायरेक्ट लिख दीजिए आप। मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इन तीनों को जोड़ना है, यहाँ से जोड़ दीजिए। जैसे ये है, सबसे पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये कितनी बार आ रही, इसका इसके बाद में भी कहीं पे आ रहा है, इसके बाद बी सी, अब देखो ये भी आ रहा है, नहीं ये तो ए, ये कहीं पे नहीं आ रहा दोबारा, ठीक है ये कहीं पे नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस, ये कहाँ आ रहा है, ए के यहाँ आ रहा है और सी डैश ये यहाँ पर भी आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक ही ये आ रहा है, तो ये दो आ रहा है, कितनी बार, दो बार, तो टू इंटू ए इंटरसेक्शन बी डैश बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ये कहाँ आ रहा है, बी डैश ये आ रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी दो बार आ रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, दो बार ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी एक बार दो बार और तीन बार, तो हम क्या करेंगे, थ्री इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये ए डैश सी डैश, तो यहां से ये एक ही बार आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, प्लस ए डैश नहीं, यहाँ से हम लिख लिए, ये पहले आएगा यार, यहाँ तक कर लिए ए डैश सी डैश, ठीक है, और ये कर ही लिए पहले, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितनी बार आ रहा है, ये एक ही बार आ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये पहले हो ही गया ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, नहीं ये तो पहले लिख लिया गया ना, बी डैश ये पहले लिख लिया गया, तो ये तो ये कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब ए डैश और ये भी दो बार आ रहा है, ए डैश कहाँ रहा है, ए डैश बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितनी बार आ गया, ये भी दो बार आ गया, ठीक है, ये भी दो बार आ गया, और ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या करते हैं, अब आप ये देखिए कि मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, जैसे ए
इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन, या इसके बराबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, तो इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश एक तो, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दो आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, सी डैश वाला आ जाएगा एक तो, एक तो ये यहाँ से एक, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक या इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी इनका मॉडुलस लिए ना अपन, तो इनका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा एक एक का, या तो ऐसे ब्रैकेट में ले लो या बार ले लो, इनका क्या लेना पड़ेगा मॉडुलस, ये तो भूल गए, ये तो ये हमने लगा दिया, ये आप हटा सकते हो, ये ठीक है, क्योंकि एक कार बी का मॉडुलस ले रहे हैं और सी का मॉडुलस लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे भी नहीं लिखना चाहूँगा इनको, मैं इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ कि ए सबसे पहले कौन कौन से लिखूँगा, सबसे पहले मैं ये लिखूँगा और एक ये लिखूँगा, ठीक है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बाद यहाँ से, क्योंकि ये बनाने में आसानी रहेगी हमारे को फॉर्म बनाने में, डायरेक्ट मान रखने में, कि B इंटरसेक्शन C को क्या लिख सकते हैं, B और C का जो इंटरसेक्शन है ये है, तो A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं A डैश, A तो मैं ये लिख रहा हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कहाँ है, ये वाला लिख दिया, नीचे वाले में दो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ए सी, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ये बी डैश हो गया, तो अब मैं लिखता हूँ, एक तो ये लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस, ये दोनों मैंने सी से लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या क्या बचे,
अब देखिएगा, अब जो बच्चे हैं उनको लिख लेते हैं, ये ए बी डैश सी डैश, तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। और इधर बचे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। प्लस नीचे वाले में दो बचे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। और एक बचा है ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। अब सी में ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से कि मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे ये है, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ये यूनियन, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवी संख्या के बराबर है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ से बी और सी, तो बी और सी में कौन सा कॉमन आ रहा है, बी और सी में ये कॉमन आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला, तो इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये यहां पे लिखते ज्यादा बेटर रहता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मैं ये यहां पे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये इसके पास में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से ये हो जाएगा ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही इन दोनों को जब देखोगे तो ध्यान से देखना, ए और इंटरसेक्शन सी, तो इसमें ये कॉमन आ जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी और ए यू इंटरसेक्शन ये वाला, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, जो भी लिखो आप, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बचा है, ये बचा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट बच नहीं रहा, यहाँ से देखिए बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, अभी ये सब मिलके इसकी जगह हम अब कर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अब ये बच गए, ये सेट इसका ये बच गए, ठीक है, ये छह सेट, ठीक है। अब इनका देखिए, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी अगर किया जाए तो क्या है, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये सेट भी, तो ये सभी सेट मिला के जो बचे हुए हैं ना, यहाँ से जैसे समझना आप कि जैसे मैं ऊपर से मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से
अब देखिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर क्या होगा, इसके बराबर ये मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट कार्डिनलिटी ले लीजिए क्योंकि डिसजॉइंट सेट ही आएंगे ना वहां से, तो वहां से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी डैश और प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, फिर प्लस ये दो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें अगर ये तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है, ये होता है ए यूनियन बी के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अलावा ये सभी कितने हैं, ये छः सेट्स, ये छः सेट्स यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ से देखना, यहाँ से मैं इसमें जोड़ देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और एक बार घटा देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने क्या किया, ये सेट जोड़ा, ये सेट जोड़ दिया और यही घटा दिया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी संख्या में जैसे पाँच है, इसमें मैं दो जोड़ दूँ और दो घटा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो में से दो कम हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेम घटाने और जोड़ने से। मैंने सेम सेट जोड़ा और घटाया, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, देखना यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर जो सेट आ रहे हैं सात, कितने सेट है टोटल, सेवन सेट्स, ये किसके बराबर है, ये ए यूनियन बी यूनियन इसके बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं वहाँ से लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये माइनस का बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ये इस लाइन के नीचे ये लिख लेना चूंकि करके, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा, आप नोट करते जाना, इसके बाद ये किसके बराबर था, ये सब था ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस प्लस सी का मॉडुलस, ये इसके बराबर चल रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का मॉडुलस प्लस बी इंटरसेक्शन सी का मॉडुलस प्लस ए इंटरसेक्शन सी का मॉडुलस, ठीक है, प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला निकालना है ना, तो उसको उस साइड रहने दो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस प्लस सी का मॉडुलस, ठीक है। अब इन सबको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है। और ये हमारे को निकालना था, बस आपको ये डायग्राम जो है ये अच्छे से बनाना है, और जैसे ये लिखा हुआ है ये ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है, जैसे बी डैश सी डैश ये जो भी है, और इन डायग्राम्स को देखते हुए फिर लगाना है, इसको समझना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।